रेडफोर्ट, रेडफोर्ट में एक एग्जीबिशन लगा हुआ है जो कि 31 मार्च तक है। उस एग्जीबिशन में मैं आपको घुमाऊंगा जिसमें कि अंदर आपको काफ़ी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट और काफ़ी सारी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर जाना पड़ेगा, पहले मैं रेड फोर्ट का टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद हम रेड फोर्ट के अंदर जाके उस एग्जीबिशन को देख पाएंगे। तो फिर आओ इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इसकी टिकट की जानकारी लिखी हुई है रेड फोर्ट के बाहर, क्योंकि उस एग्जीबिशन को देखने के लिए हमें रेड फोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप ओनली मोन्यूमेंट देखते हो अंदर जाके रेड फोर्ट में तो 50 रुपीज़ है, और अगर म्यूजियम भी साथ देखते हैं तो 80 रुपीज़। ये आपको कैश की डिटेल है अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, और अगर आप कैशलेस पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 35 प्राइस दिख जाएगा मोन्यूमेंट के लिए ओनली, और मोन्यूमेंट प्लस म्यूजियम के साथ 56 रुपीज़ है। तो ऑनलाइन कैश अगर आप कैशलेस पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट है। बाकी इसके अंदर चलते हैं और बाकी चीज़ें आपको अंदर जाके दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ फॉरनर्स के लिए यहाँ पे डिटेल है तो इनको देख सकते हो आप। बाकी चलते हैं इसके अंदर। तो ऑनलाइन टिकट लेने के बाद आप यहाँ से अंदर की तरफ जाओगे, बैग वगैरह आपका चेक होगा, पूरा सिक्योरिटी चेकिंग होती है जब आप रेड फोर्ट में अंदर एंटर कर पाओगे। और ध्यान रखना ये रेड फोर्ट मंडे को बंद रहता है। तो दोस्तों आज मैं फिर से रेड फोर्ट आया हूँ। अगर आपको रेड फोर्ट की फुल ब्लॉग देखनी है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और आज मैं रेड फोर्ट इसलिए आया हूँ कि इसके अंदर एक एग्जीबिशन लगा है जो कि 31 मार्च तक लगेगा, वो एग्जीबिशन देखने मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। तो ये पूरी ब्लॉग रेड फोर्ट के ऊपर नहीं है, और मैंने रेड फोर्ट के अंदर एक से रेड फोर्ट सेंटर करके एक न्यू म्यूजियम बनाया, अगर आपको वो भी देखनी है तो उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो ब्लॉग भी जाके देख सकते हो। बाकी इसके अंदर चलते हैं एग्जीबिशन। दोस्तों मैं यहाँ पे सेकंड, अरे यार दोस्तों तो मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, और पहली बार जब मैं आया था ना मुझे एग्जीबिशन नहीं मिला था। मैं मीना बाज़ार से सामने की तरफ आया और लेफ्ट साइड पूरा लाल किला घूम के हम लोग चले गए। इसकी राइट हैंड साइड पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, अगर आप आते हो तो राइट हैंड साइड आना। और राइट हैंड साइड में ये दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके के 3 फेसेस बने हुए हैं, उनका नाम यहाँ पे बताया हुआ है सतारा। और सतारा की जो फुल फॉर्म है वो नीचे लिखा है, सा मतलब सात्विक, ता मतलब तामसिक, और रा मतलब राजसिक। इस तरीके से दिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका मतलब ये इन इमोशन में से कोई एक इमोशन आपका बनेगा। बाकी और इसके अंदर चलते हैं। ये इसका एंट्री है जो कि आपने रील वगैरह पे देख ही लिया होगा। तो ये जो मास्क लगे हुए हैं बड़े बड़े से 3, इनके साइड में इधर वाली साइड भी इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इनका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका, सतारा जो है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, और इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनको कैसे कैसे बनाया गया है। और ये आप पूरा मतलब रीड कर सकते हो नीचे तक, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना इसे। बाकी इसके अंदर चलते हैं एग्जीबिशन में। और एग्जीबिशन में जाने से पहले कुछ इस तरीके का इसका एंट्री गेट बना हुआ है, सजाने के लिए चीज़ें लगा रखी हैं, लोग इन्हें टच करके देख रहे हैं। तो एग्जीबिशन में एंट्री करने से पहले जिसे मैंने आपको दूर से दिखाया था, एक तरीके से बेल टाइप कुछ बना हुआ है, इसे हिलाते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मारने आ जाएंगे वैसे हिलाने के लिए बना, बजा सकते हैं। आओ फिर इसके अंदर चलते हैं एग्जीबिशन में, नहीं तो हम यहीं पे टाइम वेस्ट कर देंगे, फिर अंदर की वीडियो बेकार बनेगी। अंदर चलते। तो दोस्तों ये जिस एग्जीबिशन में मैं आया हूँ, तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग लिखी हुई है, लाल किले के अंदर ये एग्जीबिशन लगा हुआ है और फ्री एंट्री है इसकी, 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक है। और एग्जिट टाइमिंग से पहले आपको 10 मिनट पहले आना पड़ेगा जब ये एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री क्लोज हो जाएगी। और मंडे को लाल किला बंद होता है, तो लाल किला बंद है तो एग्जीबिशन में आप आ ही नहीं सकते, ऑब्वियसली मंडे भी क्लोज रहेगा। तो दोस्तों इस एग्जीबिशन में आने के बाद सबसे पहले मेरे को जो वॉल दिखाई दी है उस पर बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, लॉक पुराने टाइम से अब तक के। और इस एग्जीबिशन में ये वॉल मेरे को सबसे मज़ेदार लगी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरीके की। देखो ये, और इसका नाम लिखा हुआ है प्रवेश रेट ऑफ पैसेज, और इस तरीके के यहाँ पे ताले बना रखे हैं, देखो पुराने से लेके अब तक के सारे हैं, देखो नीचे से लेके ऊपर तक। और इधर की साइड इनकी एक्नॉलेजमेंट लिखी हुई है ऊपर से नीचे तक, और ये देखो पीछे इसका गेट भी है कि किस तरीके का, और इनको टच नहीं कर सकते। अब मैंने टच करा भी नहीं, मेरा हाथ बस वहाँ तक गया था। और इसमें अंदर आने के बाद पुराने गाने चल रहे हैं, पीछे गाना सुनो। तो आपको अंदर आने के बाद इस तरीके से वॉल पर इस तरीके के एग्जीबिशन में आपको डोर्स वगैरह लगे मिलेंगे जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा, फोटोग्राफी, सेल्फी मोड में सब कुछ अलाउ है, आप फोटोज़ वगैरह जो मर्जी खींचो। अब देखो यहाँ पे फोटोज़ के लिए कैमरा वगैरह लेके भी आ रहे हैं लोग। तो इस एग्जीबिशन में आने के बाद ना आपको इस तरीके के, इसमें अंदर है ना कुछ वॉल बनी हुई है जो कि पुराने टाइप की मूवीज़ की बनी हुई है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ।
और यहाँ पे गाने भी चल रहे हैं जो पुराने बॉलीवुड के ओल्ड सॉन्ग थे 90s के। अभी फ़िलहाल के लिए आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, वो जो सॉन्ग है पीछे बज रहे हैं, लिखे जो खत तुझे नज़ारे बन गए। और इस तरीके के यहाँ पे शटर भी लगा हुआ है और इस पे इस तरीके की पुरानी हीरोइन की तस्वीर बनी हुई है और लिखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा बना हुआ है। और इसके साइड में आप देख सकते हैं कि सिलाई मशीन, हमारे यहाँ सभी प्रकार की सिलाई मशीन दुरुस्त करी जाती हैं। तो ये जहाँ पे शॉप दिखाई गई है इसके अंदर, कि यहाँ पे मशीनों को ठीक करने की पहले इस तरीके की शॉप हुआ करती थी, ये देखो। और इसके इधर की तरफ और इस वाले एरिया में ना पुराने गाने चल रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो जैसे आप इस एग्जीबिशन में अंदर की साइड आओगे, जस्ट इधर की तरफ से हमने एंट्री ली और इसके पीछे की तरफ आपको इस तरीके की कार दिख जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फेमस हो रही है, आपने देखा ही होगा। और ये रेड फोर्ट के अंदर एग्जीबिशन जो पुराने टाइम की चीज़ें थी 90s के टाइम की, वो यहाँ पे लगा रखी हैं। और कुछ रेड फोर्ट से रिलेटेड चीज़ें वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, गेट वगैरह पुराने। और यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को टच मत करना, तो ध्यान रखना, मेरे को दो बार ही डांट पड़ गई, ठीक है, तो ध्यान रखना, टच मत करना, फोटोज़ क्लिक कराते हुए भी टच मत करना। कुछ पको, देखो इसकी मुंह लाल हो चुकी है क्योंकि थक गया है। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं नहीं वापस से पागल बनाया गया तुमको कोई है। चलो अब चलो, अब चलो तो चलो, हम लोग ना इसके अंदर जा रहे हैं फिर से। और यहाँ पे भी कुछ आर्ट बना हुआ है और पूरी गैलरी में आपको दिखाता हूँ, एक एक करके नहीं दिखाऊंगा, आप ऐसे ही देख लो पूरी। और ये देखो पुराने टाइम का यहाँ पे गेट दिखा रखा है, और इसी तरीके की यहाँ पे पूरी गैलरी में चीजें बनी हुई है। और पीछे की तरफ एक लेडी बनी हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है पेंटिंग, और यहाँ पे जिन्होंने बनाया है ना उनका नाम भी लिखा हुआ है साइड की तरफ। और आ जाओ उस गैलरी में, आगे इसी तरीके की चीज़ें मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। और आप सुनते हैं और के अंदर की साइड पार्टीशन बना हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार के अंदर, बट ये एक पेंटिंग है, जस्ट अ पेंटिंग, बट यार कितनी रियल लगी है, पास से कैमरा में पता ही नहीं लग रहा था कि पेंटिंग है। और इस तरीके के यहाँ पे और भी आर्ट बने हुए हैं, ये देखो, और इनके नाम भी लिखे हैं किन किन लोगों ने बनाई है पेंटिंग। यहाँ पे देखो सुदीप रॉय और इस तरीके के बीआर गुर्जर। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके के पुराने ज़माने की फ़ोटो लगी हुई है, और पूरा का पूरा इधर से वॉल को सजा रखा है देखो, और उसमें पीछे से ना लाइट जल रही है तो और भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखो। और इधर की तरफ डोर है, उसमें आपको मिरर भी दिख जाएगा, ये देखो मैं इसकी वीडियो ख़राब कर रहा हूँ, और की लज्जी देखो चिढ़ गई, भाग गई चिढ़ के। इस वाले सेक्शन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटोज़ लगी हुई हैं, उस सेक्शन में मुझे एक पोर्शन दिखाई दिया है जिसमें शोकेस करा हुआ है पुराने टाइम की बहुत सारी कीज़ हैं, और एक ना पहले के उसे रील बोलते थे जो कैमरा में पहले डलती थी, पुराने कैमरा में ना जैसे आज मेमोरी कार्ड डलता है वैसे ही डलता है, एक अलग से सेल टाइप का रोल होता था उसे रील बोलते थे। उसके अंदर यहाँ पे ये देखो इस तरीके से पूरा का पूरा शोकेस करा हुआ है, देखो पीछे वाला ये होती है रील, ये वाला जो एरिया है जो पीछे आपको फ़ोटो दिख रही है ना उसे रील बोलते हैं, ये कैमरे में डलती थी और इससे फ़ोटोज़ बनती थी, और इसमें जैसे फ़ोटोज़ दिखाई हुई हैं ऐसी दिखाई नहीं देती थी, उसे जब धूप में ऊपर करते थे ना तब दिखाई देती थी। मेरे पास मतलब अभी भी कहीं पुरानी पड़ी होगी और मैंने देखी है मतलब रियल में। और इस तरीके की यहाँ पर शोकेस कर रखी हैं कीज़, और ये रहा पूरा एरिया आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर एक और पोर्शन बना हुआ है फोटो वाले पोर्शन से अलग हटके, यहाँ पर दो मिरर लगे हुए हैं और दीवार बहुत अच्छे से सजा रखी है, वो आपको दिखाता हूँ सामने की तरफ, देखो सामने पीछे वाली साइड भी मिरर लगा हुआ है, और इसकी वॉल वगैरह काफ़ी प्यारी बनी हुई है। और बस इतना ही है इस वाले पोर्शन में, आप यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। और इसकी बाहर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ और निकलता हूँ बाहर यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे ना ट्रक का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो भी दीवार पर बना रखा है, उसे शोकेस करा हुआ है और काफ़ी सुंदर लग रहा है, और अच्छे से कलर वगैरह भी कर रखा है। और ये ट्रक का हिस्सा है पीछे वाला, और इसके सामने ही वो बन रखा है कि जो ट्रक के साइड वाले गेट होते हैं उन दोनों को जोड़ के एक स्ट्रीट आर्ट के एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के थ्रू इसे पेंट करके काफ़ी सुंदर बना रखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और स्ट्रीट आर्टिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, दीपक शिवम इस दिल्ली स्ट्रीट आर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा फतेहपुर सिकरी का एक छोटा सा मॉडल बना रखा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है, अगर आपने फतेहपुर सिकरी गए हो तो आपको देख के समझ आ जाएगा, मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैंने पहली बार इसको देखा है। और ये ग्लास के उसके अंदर शोकेस में दिखा रखा है, और ये लिखा हुआ है कि जो फतेहपुर सिकरी का मॉडल बनाया है ना यहाँ पे प्रदीप सिंह ने बनाया है, मॉडल मेकर जो है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रदीप सिंह ने ही गोल्डन टेम्पल का जो अमृतसर में है उसका भी यहाँ पे मॉडल बनाया है, जो कि सही बताऊँ ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देखो दिखाता हूँ आपको, ये रहा आगे तक और साइडों में पानी है, कितना प्यारा लग रहा है देखो।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दो मॉडल दिखाए, एक फतेहपुर सिकरी का और यहाँ पे अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसका, एक तो इधर की तरफ है पूरा बना हुआ है और इधर की तरफ ये गोल्डन टेम्पल, और इसके आगे की तरफ एक और दिखाता हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है भी। इसमें कुछ बल्ब वगैरह जल रहे हैं, लाइट से सजा रखा है। इस तरीके से एग्जीबिशन में आपको सजी हुई चीज़ें दिखती रहेंगी। और ये कुछ कॉइन्स हैं, हमारा जो 10 रुपये का सिक्का है आर्टिफिशियल तरीके से बना रखा है, साइज़ में बहुत बड़ा है उसको दर्शाया हुआ है, और उससे का पूरा पूरा एक डिज़ाइन बना रखा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। देखो तो इसके अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ, एक और पोर्शन बना हुआ है जहाँ पे मतलब लेज़र लाइट का शोर सा चल रहा है, छोटा सा पता नहीं लेज़र लाइट है फिर प्रोजेक्टर से थोड़ा बहुत चीज़ें प्रोजेक्ट करी हुई है, उसको मैं जाके दिखाता हूँ अंदर की तरफ। ये रहा, तो इसके अंदर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठ के लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। ये ऊपर प्रोजेक्टर वगैरह भी लगे हुए हैं, और इस तरीके से यहाँ पे देखो पूरा का पूरा वॉल आर्ट बना रखा है। ये देखो, और बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। देखो प्रोजेक्शन जो है वो नीचे आ रही है, और ये रहा साइड में भी है, और ये जो इसके बीच में पहले तो मतलब नॉर्मल फ्लैक्स वगैरह लगी हुई है, उस पर वो बनी हुई है पूरी की पूरी पेंटिंग टाइप है। उसके बीच में जो ये चलती हुई चीज़ दिखाई दे रही है वो इस प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पर शो हो रही है। और ये देखो मैं यहाँ पे खड़ा, और ये देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने तो कट जाएगी मेरे ऊपर आने लगी। और ये रहा प्रोजेक्टर है यहाँ पे, तो मैं सामने वाली गैलरी में जा रहा हूँ, आपको वो दिखाता हूँ। और इसके साइड में भी ट्रक के गेट से ही बना रखा है। और अंदर की तरफ चलते हैं, और इसके अंदर कुछ मॉडल्स वगैरह हैं, उनको मैं दिखाता हूँ किस तरीके के मॉडल्स हैं। ये पूरी आर्ट गैलरी बनी हुई है ये, और पूरी गैलरी में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की है, कैसी है, पूरा यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं इनका। तो इस वाली गैलरी में हमें महाकाल मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है उसका यहाँ पे पूरा का पूरा पोस्टर टाइप लगा हुआ दिखा, पेंटिंग बनी हुई है, और ये रियल पेंटिंग नहीं है, मतलब प्रिंटेड होती है उस तरीके की पेंटिंग है। और आगे भी यहाँ पे लगे हुए हैं देखो खजुराहो, यहाँ पे टेम्पल्स की वो लगी हुई हैं पेंटिंग्स, पेंटिंग कह रहा हूँ सॉरी पिक्चर्स। अभी मैंने आपको पीछे एक मॉडल दिखाया था फतेहपुर सिकरी का और अमृतसर गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है उसका, और अभी यहाँ पे एक जामा मस्जिद का भी मॉडल बना हुआ है। ये देखो पूरा जामा मस्जिद दिखा रखा है इसमें कि कैसा दिखता है जामा मस्जिद, और ये वाला मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। और अब हम ये देखते हैं इस मॉडल को बनाया है किसने, तो दोस्तों ये भी प्रदीप सिंह ने ही बनाया है, एक ही बंदे ने, मतलब यहाँ पे जितने भी मॉडल लगे हुए हैं तीन देखे हैं वो तीनों एक ने ही बनाया, प्रदीप सिंह ने। लेकिन एक बात है, जामा मस्जिद में मैं गया हूँ ना, तो अंदर की तरफ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन जो बाहर का पोर्शन आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये तो भैया बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला रहता है और गंदा रहता है, लेकिन ये एकदम अच्छा दिख रहा है, तो अगर असली में भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरीके के, मतलब इंडिया में जितनी भी जगह हैं फेमस उन सारी जगहों को यहाँ पे शोकेस करा हुआ है। और यार ये पूरी की पूरी जगह अगर आपने देखी ना तो आपको आइडिया मिल जाएंगे आपको कहाँ का घूमना चाहिए इंडिया में। और ये बहुत सारी जगह यहाँ पे दिखा रखी हैं। देखो ये देखो कर्नाटका की एक जगह है मैसूर पैलेस, आगरा फोर्ट है यूपी का, ठीक है, महाराष्ट्र में लोलाबाद फोर्ट है, ये इस तरीके से दिखा रखा है। बट ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं है कौन सा बोलते हैं होसकास में एक फोर्ट है उसके अंदर से होके जाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा सा एरिया दिखाई देता है और बिल्कुल ऐसा लगता है। और मैं फोटो क्लिक करूँगा, देखना भी कुछ टाइम में मैं वहाँ जाऊँगा। जहांगीर महल, ओरछा, इस तरीके के यार बहुत सारी यहाँ पे मतलब पिक्चर्स लगा रखी हैं कहीं ना कहीं की जगहों की। बाकी फिलहाल मैंने देखा यार कोई दिल्ली वाली नहीं है यार, यहाँ पे दिल्ली वाली नहीं दिखी मुझे। अबे इधर चलो ना तुम, ये रहा ना दिल्ली। कहाँ है दिल्ली? ठीक है, अरे रुको ना, कहाँ कहाँ चलो मिला एक दिल्ली का, रेड फोर्ट के अंदर है, और ये रेड फोर्ट के अंदर हमें दिल्ली वाला भी मिल गया। तो दोस्तों जहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे बहुत सारे, कि मतलब पोस्टर और पिक्चर्स बनी हुई थी कि वो इंडिया के अंदर जो सारी जगह है मंदिर वगैरह की और बहुत सारी जगह जगह फोर्ट वगैरह की पिक्चर बनी हुई थी, उससे साइड में एक और पोर्शन बना हुआ है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से और भी चीज़ें दिखाई हुई हैं, इनको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बट यार इसमें ना इतनी सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें ब्लॉग में आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो बस इसको आप दूर से ही देख लो एक ओवरव्यू कि इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और फिर इसमें अंदर की तरफ जाएंगे फिर आगे और पोर्शन है। तो यहाँ पे पोर्शन बना हुआ है एक जिसपे सांची स्तूप बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसके आसपास इसी से रिलेटेड चीज़ों को लगा रखा है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि लद्दाख में आपने देखा होगा एक बहुत फेमस भगवान बुद्ध की यहाँ पर मूर्ति लगा रखी है, ये देखो पूरी की पूरी बना रखी है। और इधर की तरफ ये सीटिंग बना रखी है बैठने की, पीछे भी काफ़ी सारी फोटोज़ लगा रखी है, ठीक है, डोर्स ऑफ कंपैशन के बारे में लिखा हुआ है। और इस वाले एग्जीबिशन में इतना ही, बाकी मैं आगे की तरफ चलता हूँ। इसमें एक और है पोर्शन, इसमें आप ये देख सकते हो और भी लोगों के बारे में यहाँ पे पोस्टर्स लगा रखे हैं, इमेजेस बनी हुई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ प्रिंटेड है कुछ हाथ से बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखो पूरी की पूरी वॉल बनी हुई है। यहाँ पर डोर और डाइटीज वाला एक पोर्शन है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, देखो कितना प्यारे तरीके से यहाँ पे और शोकेस करा हुआ है चीज़ों को। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आप जिस भी मंदिर में जाते हैं इस तरीके के आपको कुछ ना कुछ कलाकृति बनी नज़र आएगी, तो इनको ही बोलते हैं। और बाकी अंदर की तरफ देखो ये सारे मतलब मंदिरों की हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमाक्या टेम्पल जो असम में है उनके जो डोर्स पर बने हुए हैं
तो यहाँ पे जिनके स्टार्टिंग वाले डोर पे जिस तरीके की कलाकृति बन रही है वो सारी यहाँ पे शो करी हुई है, ये देखो। और एक बात और, जब आप इसमें आओगे ना तो ध्यान रखना, जहाँ से आप एंट्री करोगे उसके राइट हैंड की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ एरिया जा रहा है जो ढंग से मिलेगा नहीं आपको, काफ़ी देर में पता लगेगा। तो हो सकता है पूरा म्यूजियम ना, मतलब पूरा एग्जीबिशन ना घूम के जाओ, तो ऊपर की तरफ भी एग्जीबिशन बना हुआ है और स्टेयर्स के साइड में इस तरीके की काफ़ी प्यारी पेंटिंग बनी हुई है। और स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही है, मैं आपको ऊपर की तरफ जाके दिखाता हूँ, और इधर से भी आ सकते हो आप लोग, बाकी मैं ऊपर की तरफ चल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, शायद फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर भी एग्जीबिशन बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल आर्ट भी बना हुआ है, काफ़ी नई नई चीज़ों से यहाँ पे कॉर्ड्स वगैरह भी लेके मैं दिखाता हूँ आपको। समवेयर बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग देयर इज़ अ गार्डन, आई विल मीट यू देयर। तो दोस्तों मैं इसकी ऊपर वाली साइड आ गया हूँ, और आगे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस बनी हैं, पोस्टर्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो बागे बाहर करके एरिया बना हुआ है। इसमें आगे की तरफ आपको काफ़ी सारी शोकेस करती हुई फोटोज नज़र आएंगी, जो कि सामने की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी आपको दिखाई देंगी। देखो ये भी, और ये रहा सामने की तरफ काफ़ी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और नीचे की तरफ भी लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है, देखो। और इसके इधर वाली साइड आपको ये पोर्शन दिख रहा होगा, आगे की तरफ भी फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, एग्जीबिशन है। तो ऊपर आना ज़रूर, मतलब भूलना मत, ऊपर ज़रूर आना, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे जस्ट, यहाँ लास्ट में याद आया कि ऊपर का भी पोर्शन है तो हम लोग ऊपर भी आए, नहीं तो फिर हम यहाँ आधा घूम के चले जाते। और ऊपर ज़रूर आना, ऊपर भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए, ये देखो पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पर माया का फोन मत लगे इसलिए मेरे साथ घूम रहे, नहीं तो कोई मतलब नहीं था, ऊपर नीचे दाम मर्जी जा रहा हूँ, अलग अलग भागे जा रही हूँ। और इसके सामने की तरफ देखो मिजाज बगीचा लिखा हुआ है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड ही हैं और मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तुम वीडियो पोस्ट करके पढ़ लेना, ठीक है। और अंदर आने के बाद इस तरीके के और भी आर्ट्स हैं और काफ़ी सुंदर यहाँ पे स्केचेस बने हुए हैं, आर्ट्स आर्ट। ये कौन सी पेंटिंग है? आई थिंक कैनवस पेपर है, उसके ऊपर ये पेंटिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच, किसी भी चीज़ को टच मत करना। मेरे को दो बार ही डांट पड़ गई थी नीचे ही, तो मैं तो टच नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान रखना तुम लोग भी टच मत करना ऊपर आने के बाद। और यहाँ पे बहुत प्यारी पेंटिंग बनी हुई है, छोटे छोटे मोती होते हैं ना उनका यूज़ करके बनाई गई है, ये देखो दिख रहे हैं, ये रहे इन मोती का यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाया और ये काफ़ी सुंदर लग रही है यार, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से पूरी की पूरी पेंटिंग बनी हुई है और आगे की तरफ आपको और भी चीज़ें दिखाई देंगी। और ये इस तरीके की आपको कुछ वाटर कलर से रिलेटेड पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। और इनके नाम भी लिखे हुए हैं, अब बहुत सारे लोग जो मतलब आर्टिस्ट चीज़ें देखते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें देखते हैं, उन्हें इनके बारे में पता होगा और मुझे भी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ही पता है, नहीं तो ज़्यादा चीज़ों के बारे में मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ ऐसी पेंटिंग है जिनके बारे में मुझे नहीं पता, और यहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ सकते हो किसने बनाई है और किस तरीके की पेंटिंग है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आके पूरा देख सकते हो इनके बारे में, और टाइम से मतलब अच्छा खासा टाइम लगा के आप इन्हें देख के मतलब खुश हो सकते हो, अच्छी बनी हुई है और इतना अच्छा कलर ना कैमरे में नहीं आ रहा जितना अच्छा ये रियल में देखने में लग रही है। तो इसमें अंदर आने के बाद हमें तलाश करके एक और पोर्शन दिखाई देगा जिसमें कि आपको इतना बड़ा फूल लगा हुआ दिखाई देगा, ये देखो कितना सही लग रहा है। और जैसे कि मैंने बताया अगर आपको इनके बारे में रीड करना है ना, आप साइड में लिखा रहता है, आप इनके बारे में रीड कर सकते हो। और यहाँ पे पीछे मॉनिटर लगा हुआ है, उस पर डिस्प्ले भी हो रही है कुछ चीज़ें, आप देखना चाहो तो पूरा देख सकते हो। और आगे कुछ इस तरीके का पोर्शन बना हुआ है और इन पर लिखा हुआ है चीज़ों के बारे में, आप पढ़ सकते हो। अब मैं इन्हें पूरे को मतलब कवर नहीं कर रहा, पूरा मतलब पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या बताऊंगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही आधी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ गेट वगैरह भी है, एक पोर्शन बना, अरे आओ चलो चलो चलो, ये देखो ये पोर्शन कितना ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर एक पोर्शन बना हुआ है, इसके अंदर पूरा ना सब कुछ प्रोजेक्टर से डिस्प्ले हो रहा है, और आप इसे साइड से देखोगे ना, ये देखो कितना सही लग रहा है। और यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आ रही है और काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये देखो। और इस तरीके से एनिमेशन चल रहा है दीवार पे, और ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर लगा हुआ उससे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ बच्चे आ गए हैं तो वो टच कर रहे हैं, खेल रहे हैं यहाँ पे, और चलते हैं। तो आप जब अंदर आओगे ना, ऊपर वाले फ्लोर पे अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं, उस पोर्शन में आपको स्पेसिफिक चीज़ दिखाई जाएगी। अब जैसे कि ये जिस पोर्शन में मैं आया हूँ, इसका नाम है इब्तिदा द बिगनिंग ऑफ आर्ट, ठीक है। और बिगनिंग की द बिगनिंग लिखा है द रॉक आर्ट ऑफ इंडिया एंड इंस्पायर्ड आर्ट, ठीक है। इसके अंदर हम चलते हैं, जो रॉक के ऊपर आर्ट दिखाया हुआ है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, तो किस तरीके के आर्ट हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, ये देखो पीछे की तरफ भी इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये रहा पूरा का पूरा शोकेस करा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर मतलब आपको पसंद है इस तरीके की चीज़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका बाहर वाला पोर्शन भी अभी थोड़ी देर में हम आ जाएंगे, उस वहाँ पे काफ़ी अच्छी सीटिंग वगैरह बनी हुई है बैठने के लिए। और ये सारा एरिया है, इधर है, और बस इतना ही है यार। आप पूरा घूमोगे ना, इसमें पोर्शन बने हुए हैं, अब इधर की तरफ भी एक पोर्शन है, अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। और माया कैसे घूम रही है, और
आगे की साइड ये देखो, ये वाला एक पोर्शन है, यहाँ पे डिस्प्ले चल रही है चीज़ों की, ठीक है। और आप ये पूरा देख सकते हो, आपको एक एक चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आएगा। ये डिस्प्ले लगी हुई है, इनमें हर चीज़, हर डिस्प्ले में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप देख सकते हो। और ऊपर का पोर्शन कुछ इस तरीके का, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ लिखा है, हर तरफ आर्ट ही आर्ट है। ये देखो सामने की तरफ डिस्प्ले चल रही है। बोलो, अब मैं ना फर्स्ट फ्लोर से बाहर की साइड आ गया हूँ। अब जिसे हम नीचे बजा रहे थे ना, जो घंटी थी बज रही थी, उस घंटी के ऊपर वाली साइड है। अब मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आएगी कैमरा में। नीचे छोटे बच्चे उन्हें बजा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये वाली जो गैलरी है ना, ये ज़्यादातर आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी। पहले मैं फीते बांध लूँ, लेजीज बांध लूँ, फिर दिखाऊँ। ऊपर वाली साइड आने के बाद आपको ये दिखाई देगा, अलग तरीके का आर्ट है, जो कि आपने इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा मतलब वायरल देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुराने मटेरियल का यूज़ करके बनाया हुआ है, पुराना लोहा लंगड़। ये देखो, कुछ नट बोल्ट वगैरह होते हैं ना, उनसे ये पूरा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिरन है शायद, है ना, हिरन बना रखा है। और आगे की तरफ देखो, पूरा एक इंसान बना हुआ है, पता नहीं। और छोटी छोटी चिड़िया बना रखी हैं, कुछ नट यूज़ करके, कुछ चम्मच यूज़ करके। और काफ़ी सुंदर यहाँ पे एक मोर भी बना हुआ है। और इस मोर की खासियत आपको दिख रही होगी, इसके बीच में ना जो बाइक नहीं होती, TVS की जो बाइक है, उसकी टंकी का यूज़ करके इसकी बॉडी बना रखी है, देखो। और ऐसे ही इसने मेटल का, पुराने मेटल का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बना रखा है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक और मोर है, मैं आगे वाला दिखाता हूँ। और ये छोटे मोटे मोर वगैरह बने हुए हैं। और ये रहा एक और, इसमें हीरो बाइक की टंकी लगा रखी है। देखो इसका मुंह देखना, इसका मुंह ज्यादा पिचका हुआ नहीं लग रहा तुम्हारे जैसा? ये इसका मुंह यार, इतना नहीं है। इसे देखो, ओ भाई, इसमें भी हीरो बाइक की टंकी है, सब में टंकी लगा रखी है। बस इतना ही है, यहाँ पे खत्म हो गया है, बाकी ये रिपीटेड है। बाकी इसके अंदर से हम नीचे उतरते हैं। तो मैंने पूरा यहाँ पे ना एग्जीबिशन घूम लिया है। एग्जीबिशन की जो डेट है वो 31 मार्च तक है। अगर आप यहाँ पर आसपास रहते हो दिल्ली में ही, और आप यहाँ पर आ सकते हो, या फिर अगर आप दिल्ली के अंदर हो, तो इस एग्जीबिशन को आपको ज़रूर घूमना चाहिए। अगर आपको आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ यहाँ पर आओ, ये बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और इस ब्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखा भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी ना अंदर टाइम के साथ साथ, तो मैं फ़ोटोज़ नहीं बना पा रहा था, ना फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पा रहा था, ना वीडियो बना पा रहा था। लेकिन यहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सेल्फी, जो मर्जी आपका मन करे आराम से शूट करो, कोई मना नहीं करेगा, आराम से आप घूम सकते हो। और एक चीज़ और कि मुझे फर्स्ट फ्लोर का पता ही नहीं था कि ये फर्स्ट फ्लोर पे भी है। इसके जो स्टेयर्स बने हुए हैं ना फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, वो आसानी से मिलते नहीं है, तो ढंग से जाके उनको पहले ढूंढना, और फर्स्ट फ्लोर से घूमते हुए फिर नीचे की तरफ ढंग से घूमते हुए आना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक भी चीज़ मिस नहीं होगी। तो ढंग से लाइन वाइज घूमना, अगर आप इधर उधर जहाँ मर्जी जाओगे ना, तो पक्का कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मेरे से ये छोटी सी गलती हुई थी, मेरे को स्टेयर्स नहीं मिले थे, बट वो बाद में मिले, तो मैं ऊपर का भी पूरा घुमा के आया हूँ आपको। बाकी इतना ही। और ये रेड फोर्ट के अंदर है, और टाइमिंग इसकी सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक है, जिसमें कि लास्ट जो 5 बजे की टाइमिंग है, उससे 10 मिनट पहले एंट्री, लास्ट एंट्री होगी आपकी। तो आप ये मान लो 4:50 पे आपकी लास्ट एंट्री है, तो उस हिसाब से आना। और मंडे को लाल किला बंद रहता है, और लाल किला बंद है तो ये भी बंद ही है, तो ये भी बंद होता है। बाकी अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस व्लॉग को लाइक कर सकते हो। और अगर आपको मेरे सारे व्लॉग देखने के बाद अच्छे लगे हों, आपने कुछ देखे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।